हेलो जी, वेलकम बैक टू स्पून्स ऑफ इंदौर। और कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और मैं आ गया था जी आज इंदौर के गोपुर स्क्वायर पे। मुझे पता लगा यहाँ एक भैया हैं काफ़ी अच्छे आप पे खिलाते हैं। इनके स्टॉल का नाम है वन एंड ओनली आप पे सेंटर। तो आइए इनसे आप पे बनवाते हैं और आपको बताते हैं। और आप पे में स्पेशलिटी है कि आप पे तो सभी आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन ये जो फ्यूजन ऑफ आप पे जो आजकल हर चीज़ में चलता है ना, ये चीज़ पनीर, चीज़ कॉर्न और पिज़्ज़ा आप पे, तो इस टाइप की चीज़ें कुछ बनाते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे हैं आप पे और कैसे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आप पे खिला रहे हैं ये। तो अपने लिए भी कुछ आप पे बनवाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या सीन्स हैं यहाँ। आइए भैया से बात करते हैं और आपको बताते हैं। तो जी कुछ इस तरीके से बनते हैं हमारे यहाँ पे आप पे। और ये भैया खड़े हुए हैं, आइए भैया से बात कर लेते हैं और बताते हैं कि कैसा है यहाँ पे। जी भैया आपका नाम बता दीजिएगा एक बार। हमारे सपरे भैया, ये कब से बना रहे हैं आप? ये हम लोग अभी एक तारीख से फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट करा है। अच्छा, इसके पहले हमारा रेस्टोरेंट था। अच्छा, तो इसमें कितनी वैरायटी है कि अपन आप पे बना रहे हैं? अभी मेरे पास आप पे के 15 से 16 प्रकार है, पर अभी मैं फिलहाल 5-6 ही इस आउटलेट से रन कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, इन फ्यूचर सारे जो मेरे फ्लेवर्स हैं वो मैं रन करूँगा। अच्छा, क्या क्या प्राइस रेंज रखना है अपन यहाँ पे? अभी आप पे यहाँ पे मेरे यहाँ 25 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम जो प्राइस है वो 55 है। 25 के सब आ जाता है उसमें, पिज्जा, चीज, कॉर्न वगैरह सब आ जाता है। जो प्लेन है वो 25 है और जो मैक्सिमम है वो पिज्जा का पप्पे है वो 55 है। अच्छा अच्छा, और टाइमिंग्स क्या रहती हैं आपकी यहाँ पे? यहाँ पे मैं 6:30 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक। 11 बजे तक। एक बार आपकी लोकेशन बराबर थोड़ा सा बताइएगा ना। ये गोपुर स्क्वायर है, चाणक्यपुरी से जो गोपुर स्क्वायर साइड रोड आती है। जी जी, तो गोपुर स्क्वायर से थोड़ा सा पहले। अच्छा जी, चलिए ठीक है। और वीक में कितने दिन रहता है अपना ये? ये मैं 7 डेज रहता हूँ, उसके अलावा मैं जोमेटो पे भी अवेलेबल हूँ। अच्छा, वीक में 7 डेज छुट्टी नहीं है एक भी दिन अभी? नहीं नहीं नहीं। हमारे लिए कौन सा बनाने वाले हैं आप? जी आपके लिए मैं पनीर चीज़ कॉर्न बना। पनीर चीज़ कॉर्न बनाएंगे। और क्या प्राइस रखा है उसका अपने? पनीर चीज़ कॉर्न 45 रुपीज़। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। अभी वो बनवाते हैं आपकी बातों के लिए। और एक बार अपने आप पे बनवाते हैं और आपको। ये हमें भी यानी प्रिपरेशन ऑन कर दिए, कॉर्न गया इसके अंदर। आप पे का बैटर किस चीज़ का रहता है? रवे का रहता है। रवे का रहता है। अच्छा जी, और ये गया इसके अंदर पनीर, ढेर सारा पनीर गया। क्या बात है, बढ़िया, अच्छे तरीके से उसको मिलाया। और ये अपन बटर में बना रहे हैं, घी में बना रहे हैं? घी में बनता है टोटल। क्या बात है भैया, थोड़ा सा पैन गरम करेंगे और उसमें घी से ग्रीसिंग करेंगे, फिर बैटर को उसमें पेस्ट करेंगे। ये गया और ये गया चीज़, और ऊपर से बैटर। और क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा आपने कितना भर भर के डाला है भैया ने, कॉर्न और बड़े बड़े चीज़ के क्यूब डाल रहे हैं। पनीर भी कितना भर भर के डाला है। 5 आपे के लिए इतना सारा बैटर लगा दिया भैया ने ऑलमोस्ट। अब इसको कुक होने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा भैया? 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट का समय लगेगा अपने। बढ़िया। और आप यहाँ पे अकेले रहते हैं, आपके साथ और भी लोग वर्क कर रहे हैं? जैसे कि मैं देख रहा हूँ फैमिली मेंबर है, ये बुआ है, वो बुआ है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये भैया की बुआ लोग भी, भैया के साथ में भैया के ब्रदर भी, और अभी अंकल जी भी थे वो भी निकल गए शायद। तो पूरी फैमिली मिलकर ये स्टॉल रन कर रही है आपके का। और मेरा तो ये कहना है कि एक बार आइए और टेस्ट जरूर करिए। काफ़ी भीड़ लगती है वैसे भी, पर जो इस तरीके का जेन्युइन काम करते हैं उनके यहाँ पे तो आना आपका बनता है यार। तो अभी अपने आप पे भी बन रहे हैं, वो भी आपको दिखाते जाएंगे हाथों में। और 4 पैन है इसमें, और एक पैन ये रहा उसमें भी काम चल रहा है, और एक पैन उसमें भी बन रहा है, एक साथ बनते जा रहा है। अभी एक पैन वो खाली उसमें भी डाल रहे हैं अपन ना भैया जी। एक बार में 4 पैन में काम चलता है। अब इसको यहाँ पे पलटेंगे ताकि दोनों तरफ से प्रॉपरली कुक हो जाएगी। बढ़िया। इसकी प्राइस क्या रखी है अभी अपन ने? 45 रुपीज़। आप देख सकते हो इतनी बढ़िया क्वांटिटी में दे रहे हैं, और सिर्फ प्राइस है 45 रुपीज़। और घी में बनता है पूरा, सबसे बेस्ट चीज़ तो इसकी। तो अच्छा काम है, अच्छी चीज़ खिला रहे हैं भैया, बढ़िया बना रहे हैं, एकदम पूरी फैमिली लग के अच्छे से बना रही है। फिर से एक बार इसको टर्न किया और घी की ग्रीसिंग कर रहे हैं ताकि प्रॉपरली कुक हो जाए वो अंदर से भी। लोगों को तो जल्दी रहती है, जल्दी एकदम चीज़ बस बन जाएगा। उसको खोलेंगे तो एकदम चीज़ निकलेगा उसके अंदर से बराबर। अच्छा
ट्रेन का ये भी चेंज कर देते हैं अपन, जिसमें पहले पर वो क्या होता है जैसे कभी ये इसमें घी रहता है वो गर्म हो जाता है तो क्या थोड़ा सा कुकिंग जल्दी हो जाता है। अच्छा अच्छा, वो पहले से उसमें घी पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होने से कुकिंग, ये थोड़ा सा नॉइज़ है, माफ़ करना यार, थोड़ा सा इग्नोर करना, इस रोड पे है थोड़ा सा अपन तो ज़्यादा ट्रैफिक चलता हुआ ट्रैफिक है, थोड़ा सा आपको नॉइज़ मिलेगा यहाँ से, लेकिन जो डिश मिलेगी वो बहुत अल्टीमेट चीज़ है एकदम। देखो सब ऑलमोस्ट प्रॉपर कुक होगी, एकदम गोल्डन ब्राउन होके, क्या बात है। ये कुक हो गया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट पूरा इनकी रंगत बदल गई है, इनकी पूरी रंगत बदलने के बाद एकदम चीज़ उसमें से पॉप आउट होके बाहर आ रहा है जैसे मैं देख पा रहा हूँ, और ये प्लेटिंग भी होना चालू हो गई है तो निकाल लिया है भैया ने, बढ़िया। इसके अपन गार्निशिंग करते हैं चीज़ के साथ, 45 रुपीज़ बताया था इसका प्राइस भी आपने, क्या बात है, 45 रुपीज़ में इतना कुछ मिल रहा है यार आपको, यार यहाँ नहीं आओगे तो फिर क्या मतलब यार, आना पड़ेगा इस प्राइस पॉइंट पे, इतनी बढ़िया चीज़ से गार्निशिंग करी है, अब उसके ऊपर भी डाल रहे हैं ओरिगैनो सीजनिंग, क्या ये आ गई हमारी ओरिगैनो सीजनिंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये डाल दिया है मेयो और सर्व करते हैं इसको टमाटर की चटनी के साथ, बहुत ही बढ़िया। ये 45 रुपये वसूल हैं पूरे, और ये डिश हो गई हमारी कंप्लीट, चीज़ पनीर कॉर्न अप्पे आ गए हैं यहाँ पे मेरे पास रेडी होके, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से कुक हुआ है, और इतना गर्म रहता है स्टार्टिंग में कि जो चीज़ भैया ने अभी ग्रेट किया है ना गार्निशिंग के लिए वो तक बराबर से पूरा पिघल गया उसके ऊपर, तो और 45 रुपये की प्लेट है यार, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ दे रहे हैं और इस प्राइस पॉइंट पर तो आपका आना बनता है यार, गोपुर स्क्वायर पे है ये ना, पे और लोकेशन मैं बता देता हूँ एक बार फिर से आपको, और बढ़िया चीज़ है और मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ इसको, काफ़ी टाइम से बनते हुए देख रहा था तो मुझे क्रेविंग भी हो रही है काफ़ी, तो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस, और आप कभी कभी आना हो तो टेस्ट करिए और बताइएगा कॉमेंट्स में कि हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी आपको, और थैंक यू सो मच अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे फूड के साथ, थैंक यू सो मच।